हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसी चीजें शेयर करने जा रही हूँ जो शायद मेरे चैनल पर मैं पहली बार करने जा रही हूँ। अपने एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने चैनल पर मेहंदी चैलेंज शेयर किया था, एक वीडियो शेयर किया था। तो उसमें आपने बहुत ही प्यारे प्यारे कॉमेंट्स किए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे चैलेंज और दिए थे मुझे कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप हिना अप्लाई करनी चाहिए। लेकिन आपने कुछ बातें भी पूछी थी कि किस तरीके से हिना को स्टेप बाय स्टेप लगाना चाहिए, क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं हिना अपने बालों में लगाते टाइम, हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप अपने फेशियल्स वगैरह करती हैं घर पर। तो हिना लगाने के बाद, मतलब ये सब चैलेंज आपने मुझे किए थे, तो आप ही की डिमांड पर, आप ही के रिक्वेस्ट पर मैं आज की वीडियो ये लेकर आई हूँ गाइस। और आप कुछ बोले और मैं ना करूँ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी है, मेरे लिए भी है क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ अपने चैनल पर। तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखेगा और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूले। और प्लीज गाइस, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो मेरी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो स्वागत आपका मेरे चैनल पर। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हिना अप्लाई करूंगी अपने बालों में और क्या क्या चीजें जरूरी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो बात है हिना को लगाते टाइम जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि आपके बालों में गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आपके बाल बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, बिल्कुल भी डर्ट और इम्प्योरिटीज आपके बालों में नहीं होनी चाहिए, मतलब धूल मिट्टी जमा नहीं होनी चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए, शैम्पू कर लीजिए। अगर आपने दो दिन बाद हिना लगानी है तो आप दो दिन पहले भी बालों को धो सकते हैं अगर आपने कहीं बाहर नहीं जाना है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप एक दिन पहले भी अपने बालों में शैम्पू कर लीजिए, यानी कि आपके बालों में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए और बाल बिल्कुल सुलझे हुए होने चाहिए, इस चीज का भी रखिएगा। तो हिना की जो रेमेडी है, किस तरीके से आपको हिना पैक तैयार करना है, इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिए और मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को भी जरूर चेक कीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। और हिना पैक मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। और सेकंड जो जरूरी बात होती है वो ये है कि अगर आप हिना अप्लाई करते हैं अपने बालों में तो दो घंटे से ज्यादा ना रखें अपने बालों में, दो घंटे तक रहने दीजिए, फिर चाहे वो सूखे या ना सूखे आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। इससे ज्यादा देर तक अपने बालों में हिना को मत लगाइए, क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स कि अगर आप अपने बालों में ज्यादा देर तक हिना को रखते हैं, यानी कि 3 से 4 घंटे रखते हैं और बाल बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, मतलब अगर हिना पूरी तरह से सूख जाती है तो उसे वॉश करने में भी थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इससे क्या होगा, आपके बाल भी टूट जाएंगे, यानी कि आपके बाल भी टूटने लगेंगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, इसलिए अपने बालों में सिर्फ 2 घंटे तक ही मेहंदी को रखिएगा। और मेहंदी जब भी आप अप्लाई करें गाइस, अगर आप अपने बालों में कलर करना चाहते हैं, कलर के लिए हिना को लगा रहे हैं, तो अपने बालों में ऑयल को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, बल्कि हिना लगाने के बाद, वॉश करने के बाद, बालों को सुखाने के बाद अगर आप ऑयल लगा दें तो बेटर होगा, और उससे पहले हिना बिल्कुल मत लगाइएगा। लेकिन अगर आप कोई चैलेंज करना चाहते हैं, लाइक अगर मेरी तरह कुछ कर दिखा रहे हैं, तो आप हिना लगाने से पहले बालों में ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसका कोई नुकसान भी नहीं है गाइस, लेकिन कलर बालों में नहीं आएगा अगर आप ऑयल पहले लगा लेते हैं तो। लेकिन अगर आप बाद में ऑयल लगाते हैं तो इससे आपके बालों में बहुत अच्छी चमक भी आएगी और एक बहुत अच्छा कलर भी आएगा। तो फ्रेंड्स, यही थी कुछ बातें जो कि आपको हिना लगाते टाइम हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और हिना का जो पैक है गाइस, ये मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर ही चुकी हूँ। और मैं आपको एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने कभी भी किसी से मेहंदी लगाना नहीं सीखा है, मैं सिर्फ देख देख कर सीख गई। मतलब मेरी ताई जी, मेरी मम्मी लगाते थे, तो कभी जब वो लगाते थे मैं उनको देखती रहती थी, बस उन्हें देख देख कर सीख गई मैं लगाना। मैंने कभी कहीं से भी कोई ऐसी ट्रेनिंग वगैरह ऐसे कुछ सीखा नहीं है कभी किसी से कि कैसे आपको मेहंदी लगानी चाहिए, बस उन्हीं को देख देख कर सीख गई। मेरी ताई जी और मेरी मम्मी जी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी, लाइक उनका जो बन बनता था ना वो बहुत अच्छे बनता था। मैं हमेशा सोचती थी कि पता नहीं वो इतना अच्छा बन कैसे बना लेते हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिस के बाद जैसे कि मैं लगाने लगी तो मुझे भी आ गया उनकी तरह बनाना, बस एक छोटी सी कोशिश की है। तो चलिए देख लेते हैं, मेरे लिए भी एक चैलेंज और बन जाता है और मैंने भी कोशिश की है कि इसे एक और ज्यादा अमेजिंग बनाने की, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों में शैम्पू किया हुआ है, मैंने कल ही शैम्पू किया है, बिल्कुल क्लीन है मेरे बाल और मैंने बालों को कॉम्ब भी कर लिया, बाल बिल्कुल सुलझ चुके हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं हिना अप्लाई करने के बाद आपको बालों को वॉश कर भी दिखाऊंगी। मैं भी 2 घंटे तक ही रखती हूँ बालों में हिना, 1 या 1.5 घंटा या फिर 2 घंटे, मतलब इससे ज्यादा नहीं रखती हूँ, 1.5 से 2 घंटा ही रखती हूँ। और 1.5 से 2 घंटे काफी होते हैं हिना को आपके बालों में अच्छे से काम दिखाना जो होता है, करना होता है, वो कर देती है 2 घंटे में। तो यहाँ पर मैं अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर रही हूँ, अच्छे से सुलझा रही हूँ, कोई भी टैंगल नहीं होनी चाहिए आपके बालों में। तो इस तरीके से अपने बालों को सुलझा लीजिए। और मेहंदी की जो क्वांटिटी है गाइज, आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंगली घटा बढ़ा भी सकते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और अब मैं सेंटर से अपने बालों का थोड़ा सा सेक्शन ले रही हूँ और इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेते हुए बालों में हिना अप्लाई करूंगी।
और जो भी स्टेप्स थे गाइस कि कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप हिना को अप्लाई करना है अपने बालों में, वो मैं बता ही चुकी हूँ आपको। और इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा सेक्शन बालों का लीजिए और आप अपने बालों में अच्छे से हिना को अप्लाई कर लीजिए। आप चाहें तो इसमें किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, आप अपने सिस्टर या मदर की हेल्प ले सकती हैं अगर आप चाहें तो। और ज़रूरी नहीं है गाइस जिस तरीके से मैं बन बना रही हूँ उसी तरीके से आप बनाएं, वैसे ये बहुत ही ईजी सा एक तरीका है बन बनाने का और कॉमन तरीका है बहुत ही, इसीलिए मैं इस तरीके से ही लगाती हूँ वैसे मैं भी अपने बालों में। आपको जिस भी तरीके से आता है लगाना मेहंदी आप उसके अकॉर्डिंगली भी लगा सकते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही आप लगाएं। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा सेक्शन लीजिए, थोड़ी थोड़ी हिना अपने अप्लाई करते हुए अपने बालों को फोल्ड कर लीजिए और इस तरीके से बन बना लीजिए। यहाँ से गाइस मैं इसलिए बन बनाना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से जब भी आप बन बनाएंगे तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन बनेगा और मतलब जल्दी से खुलेगा नहीं, टाइट बन बनाना है जैसा कि हमें, तो जल्दी से वो खुलेगा नहीं, इसलिए मैं इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए अपने बालों को एक बन बना लीजिए। और इसी बन के राउंड राउंड ही मैंने थोड़ा थोड़ा सेक्शन जो मैं बालों का लूँगी वो इसके चारों तरफ फोल्ड करती हुई जाऊंगी और मेरा जो बन है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसा आप देख सकते हैं, और मैं यहाँ पर गाइस आपको वीडियो थोड़ा सा फास्ट मोड में दिखा रही हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी गाइस, तो इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीडली दिखा रही हूँ आपको। तो इस बन के ऊपर भी आप इस तरीके से हिना को अप्लाई करते जाइए ताकि अच्छे से मेहंदी जो आपके बालों में लग जाए। आपने स्कैल्प में लगानी है, आप स्कैल्प में भी लगा सकते हैं, कभी कोई नुकसान नहीं करती है हिना हमारे बालों में, बल्कि जितनी बार आप लगाते हैं उतनी बार ही आपके बालों को अच्छा एक रिजल्ट देती है, अच्छे तरीके से कंडीशन करती है। और एक बार राइट सेक्शन एक बार लेफ्ट सेक्शन, इस तरीके से आपने अपना बन तैयार करना है। और हिना का गाइस अगर आपने रंग छुड़ाना है तो बहुत ही आसान तरीका है हिना का रंग छुड़ाने का। मैंने यहाँ पर ग्लव्स का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं आपको प्रॉपर कर दिखाना चाहती थी। आप देखेंगे कि मेरे हाथों में बिल्कुल भी हिना का रंग नहीं चढ़ेगा, उसके पीछे एक रीज़न है। तो गाइस हिना को अपने हाथों से अगर आपने रंग छुड़ाना है तो उसका बहुत ही अच्छा एक तरीका है कि आप अपने हाथों में ब्लीच कर लीजिए और आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आपके हाथों पे से जो भी हिना का रंग है वो निकल जाएगा। अगर आपने लाइक अगर कहीं बाहर जाना है, सेम डे आपने कहीं बाहर जाना है और अगर आपके हाथों पे हिना का रंग लग गया है तो आप ब्लीच कर सकते हैं, फेस पे भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। इससे क्या होगा कि जो हिना का रंग होगा वो आपकी स्किन पर नहीं चढ़ेगा। हिना का रंग छुड़ाने के लिए नींबू भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने बालों को सबसे पहले हैंड वॉश कर लीजिए अच्छे से, साबुन से या हैंड वॉश की हेल्प से हाथों को इमीडिएट धो लीजिए जब भी आप हिना अप्लाई करते हैं। और उसके बाद आप अपने हाथों में नींबू का रस लगा लीजिए, यानी कि नींबू का जो छिलका होता है वो भी उसी से मसाज कर सकते हैं रब करते हुए। तो आप देखेंगे वैसे इससे पूरी तरह तो नहीं निकलेगा लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपके हाथों से रंग जो है वो छूट जाएगा, लाइट हो जाएगा। और अगर पूरी तरह निकालना चाहते हैं तो आप ब्लीच कर लीजिए अपने हाथों पर और या फेस पर। तो ये देखिए गाइस मैंने अपने बालों में अच्छे से हिना को अप्लाई कर लिया है। और हाँ आपने एक सवाल और पूछा था गाइस कि मेहंदी का जब जो रंग है वो ग्रीन अगर हो या ब्राउन हो तो कोई टेंशन की बात तो नहीं है, तो जी नहीं कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। अगर हिना का रंग इस तरीके से ग्रीन है या ब्राउन है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका वही कलर होना चाहिए, तो ऐसा कोई नुकसान भी नहीं है। जिस तरीके से जो भी आप जैसे भी अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं हिना को, चाहे वो ब्राउन कलर में हो या ग्रीन कलर में हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हाथों पर लगाने वाली मेहंदी ही यूज़ करें, वही ज़्यादा बेस्ट होती है। मैं ज़्यादातर नेहा मेहंदी यूज़ करती हूँ, नूपुर मेहंदी या नेहा मेहंदी यूज़ करती हूँ। इस वक्त मैं यहाँ पर नेहा मेहंदी लगा रही हूँ। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी गाइस, एक टिप और देना चाहूँगी कि अगर आपकी मेहंदी ड्राई हो चुकी है पूरी तरह और उसके ऊपर अगर आप दोबारा से अप्लाई करते हैं मेहंदी को तो ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि देखिए मेहंदी ने जो अपना काम करके दिखाना है वो तो वन एप्लीकेशन में भी वो कर देती है, उतना ही काम करेगी, टू एप्लीकेशन में भी उतना ही काम करेगी और एक में भी उतना ही काम करेगी। और साथ ही साथ गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कभी भी रात को ना लगाएं मेहंदी, क्योंकि क्या होता है कि रात भर अब आजकल जैसे कि सर्दी है तो सर्दियाँ बहुत अभी लंबी रातें होती हैं सर्दियों में, तो आप हिना को रात में ना लगाएं क्योंकि इससे तबीयत ख़राब होने का भी थोड़ा डर रहता है और मेरे लिए आपकी हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो रात को मैं आपको एडवाइज़ नहीं करूँगी कि आप हिना को अप्लाई करें अपने बालों में, लगाकर तो बिल्कुल भी मत सोए क्योंकि इतने देर तक हिना को अपने बालों में ना रखें, इससे बाल कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं जल्दी। तो इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप हमेशा दिन के टाइम ही मेहंदी को अप्लाई करें, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे भी दिन का टाइम बेस्ट होता है ताकि आप धूप में भी बैठ सकें तो कोई प्रॉब्लम ना हो और मेहंदी भी जल्दी से सूख जाती है। रात को क्या होता है कि मेहंदी की जो तासीर होती है वो ठंडक वाली होती है, तो ठंडी होती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एडवाइस दूंगी कि आप रात के टाइम मेहंदी ना लगाएं। दिन के वक्त लगाएंगे तो भी उसका उतना ही रिजल्ट मिलेगा और रात को लगाएंगे तो भी उसका उतना ही रिजल्ट मिलेगा। तो
कोशिश कीजिए कि आप दिन में मेहंदी को अप्लाई करें, 2 घंटे काफ़ी होते हैं अप्लाई करने के लिए। और हिना के जो मैं फ़ायदे हैं गाइस वो बताना चाहती हूँ आपको कि हिना आपके बालों को नेचुरल तरीके से कंडीशन करती है। अपनी अगर आपके पास टाइम है तो आप नेक्स्ट डे शैम्पू कीजिए ताकि और अच्छे से आपको बेटर रिजल्ट मिल सके हिना के। और सेम डे शैम्पू ना ही करें तो बेटर होगा, वैसे कर भी लें तो भी कोई नुकसान नहीं है, बट मैं आपको अच्छे तरीके से, अगर आप हिना को चाहते हैं कि अपने बाल आपके कंडीशन हो जाएं और कलर भी आ जाए बालों में, तो आप नेक्स्ट डे शैम्पू कीजिए, बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो सेम डे तो मैंने भी शैम्पू नहीं किया क्योंकि मैं नेक्स्ट डे शैम्पू करूँगी, और आज मैंने सिर्फ ठंडे पानी से ही अपने बालों को वॉश किया है। और अब आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों में अच्छे से मेहंदी को अप्लाई कर लिया है। मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो करने जा रही हूँ वो है ब्लीच। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने बालों को कवर कर रही हूँ इस दुपट्टे की हेल्प से। मेरे पास इस वक्त कोई भी वेस्टेज ऐसा कोई टॉवल नहीं था, तो मैंने टॉवल की हेल्प से नहीं रैप किया अपने बालों को, दुपट्टे की हेल्प से मैंने रैप कर लिया है इसे। वैसे तो अगर आप कोई किचन में काम कर रहे हैं तो रैप कर सकते हैं अपने बालों को इस तरीके से अपने बन को, लेकिन अगर आप किचन में काम नहीं कर रहे हैं, धूप में बैठे हैं या कोई और काम कर रहे हैं घर का, तो आप इसे ओपन ही रखें क्योंकि इसे जल्दी सूख जाएगी ही ना। तो यहाँ पर गाइज मैं अब सेकेंड स्टेप करने जा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस पर लगाया है, प्री ब्लीच पैक लगाया है। तो मैं यहाँ पर ब्लीच कर रही हूँ अपने फेस पर सबसे पहले, और ज़्यादातर मैं इसी तरीके से अपनी स्किन केयर रूटीन करती हूँ। जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ अपने बालों में तो इसी तरीके से करती हूँ। तो इस तरीके से मैं ये ब्लीच कर रही हूँ। मैं यहाँ पर गाइस VLCC की ब्लीच अप्लाई कर रही हूँ, और इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो प्लीज़ एक बार मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर मैंने अपने अच्छे से फेस पर ब्लीच अप्लाई कर ली है, आप देख सकते हैं। और अपने नेक एरिया को बिल्कुल भी मत भूलिए गाइस, अपनी गर्दन पर भी ब्लीच को ज़रूर लगाएं ताकि आपकी जो चेहरे का रंग है और गर्दन का रंग है वो एक सा दिखे, अलग अलग ना दिखे। क्योंकि काफ़ी बार होता है कि हम अपनी गर्दन को इग्नोर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर मैल की परत जो होती है वो जमती जाती है, डेड स्किन सेल्स जमा हो जाते हैं वहाँ पर। तो इसलिए अपनी गर्दन को भी ज़रूर ध्यान दें और वहाँ पर भी ब्लीच ज़रूर लगाएं। तो मैंने हाथों पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ब्लीच को अप्लाई कर लिया है, और अब मैं 15 से 20 मिनट बाद अपने चेहरे को धो लूँगी। ध्यान रहे गाइस कि नॉर्मल वाटर से ही आपने अपने फेस को वॉश कर रहे हैं, कोई भी सोप या फेस वॉश वगैरह ऐसा कुछ भी अप्लाई मत करें ब्लीच को लगाने के बाद, क्योंकि मैं पहले ही फेस वॉश कर चुकी थी। जो भी मेरे फेस पर हिना लगी हुई थी, मेहंदी लगी हुई थी, वो मैंने रिमूव कर ली थी अच्छे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस मैं गीले स्पॉन्ज की हेल्प से अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्लो आ गई है स्किन में, कितनी अच्छी चमक आ गई है, और जितने भी डेड स्किन सेल्स जमा थे वो सब रिमूव हो गई है, और बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ भी लगती है आपकी स्किन, और जितनी भी गंदगी जमा होती है, मैल की परत होती है, वो भी उतर जाती है। तो चलिए अब मैं करती हूँ अपना थर्ड स्टेप। ये है VLCC फेशियल किट, और इसका रिव्यू मैंने किया हुआ है, तो मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। और परचेज लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला स्टेप कर रही हूँ, ये है क्लिंजर। और गाइज़ ये बहुत ही अच्छा फेशियल है, बहुत ही अच्छी ब्लीच है, कभी कोई नुकसान नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि मैं इसे पिछले 3 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। तो काफ़ी अच्छी ब्लीच है, काफ़ी अच्छा फेशियल किट है इसका। तो बस 5-5 मिनट ही मैं सब चीज़ों को मसाज करते हुए अपने फेस पर लगाऊंगी, इतना काफ़ी होगा। और गाइस यहाँ पर जो मैं फेशियल स्टेप्स कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही करें, आपको जो भी स्टेप्स आते हैं वो आप कर सकते हैं। और ये जो हिना पैक है गाइस, जो मैंने आपको बताया हुआ अपने चैनल पर, जो मैंने आपको रेमेडी बताई थी हिना पैक की, तो उस तरीके से मेहंदी अगर आप अपने हस्बैंड को भी लगाना चाहती हैं, अपने ब्रदर को लगाना चाहती हैं, तो लगा सकती हैं, तो कोई ऐसा नुकसान की बात नहीं है। इस हिना पैक को कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर आपके बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल हैं तो आप वीक में एक बार हिना को अप्लाई कर लीजिए, इतना काफ़ी होगा। तो यहाँ पर मैं सेकंड स्टेप कर रही हूँ गाइज, ये है स्क्रब। और वैसे इस वीडियो की रिक्वेस्ट भी आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे गाइज़, कि आप अपना कंप्लीट स्किन केयर रूटीन बताइए, किस तरीके से आप हिना को अप्लाई करने के बाद फेशियल और ब्लीच करते हैं। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी, और बहुत सारी रिक्वेस्ट आपने और भी की थी, और इंस्टा पे भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे। तो थैंक यू सो मच गाइज़ इतना प्यार देने के लिए, मेरी वीडियोज़ को इतना पसंद करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर योर सपोर्ट एंड लव। तो आप ही की डिमांड पर मैं ये वीडियो लेकर हाजिर हुई थी, और आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। और गाइज़ प्लीज़, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ गाइज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपना प्यार और सपोर्ट इस तरीके से देते रहिएगा आगे भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा गाइज़ अगर आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, क्योंकि आप एक तरह से कह सकते हैं चैलेंजिंग वीडियो को और ज़्यादा चैलेंजिंग बना दिया है आपकी रिक्वेस्ट ने, और मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे ये चैलेंज किया। और वैसे बहुत टाइम पहले ही मैं ऐसा करती थी, नहीं तो मैं क्या करती थी कि हिना अप्लाई करने के बाद फेशियल करती थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने मुझे इतना बड़ा चैलेंज दिया, और बहुत ही अच्छा लगा, एक नया एक्सपीरियंस हुआ है मुझे भी इस चैलेंज को करने के बाद। सो थर्ड स्टेप यहाँ पर मैं कर रही हूँ जेल मसाज, और काफ़ी रिफ्रेशिंग है गाइज, इस फेशियल की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है।
और जल्द ही आप मेरे चैनल पर हेयर डंक एंड हेयर वॉश वीडियो दोबारा देखेंगे और बहुत जल्द देकर आने वाली हूँ मैं। अपनी आईज एरिया के आसपास भी ज़रूर मसाज कीजिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और इससे आपको फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम भी कम होती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर कर रही हूँ 4 स्टेप और ये है क्रीम मसाज, तो इसे भी मैं 5 मिनट तक अपने फेस पर मसाज करूँगी इस क्रीम की हेल्प से। फ्रेंड्स, अगर आपने सेम डे कहीं बाहर जाना है तो आप शैम्पू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सेम डे बाहर नहीं जाना है और अच्छे से चाहते हैं कि आपके बालों में रिजल्ट अच्छा आए हिना का, तो आप नेक्स्ट डे शैम्पू कीजिए। और हिना को वॉश करने के बाद गाइज आप अपने बालों में ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, अगर ऑयल अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जिस तरीके से गाइज मैंने आपको हिना के स्टेप्स बताए हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करनी है, इस तरीके से लगाते हैं तो गाइज आई एम श्योर आपको बहुत ही अमेजिंगली इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी इस स्टेप को, और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा गाइज इस चैलेंज को करने के बाद। तो आप देख सकते हैं गाइज कितनी अच्छी लग रही है मेरी स्किन, और मुझे टच करने पर भी बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ लग रही है, बार बार मन कर रहा है कि स्किन को टच करती रहूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा इस फेशियल को करने के बाद। नेक्स्ट मैं यहाँ पर सबसे लास्ट जो स्टेप कर रही हूँ वो है फेस पैक। सो गाइज अभी मुझे लगा ही है भूख, और अब मैं इस फेस पैक को लगाने के बाद मैं इसे वॉश करने के बाद कुछ खाऊंगी और बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। सो गाइज मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे पूरे 4 घंटे का वक्त लगा है, तो प्लीज़ गाइज मेरी इस मेहनत को अप्रिशिएट कीजिएगा। मैं अपनी हर वीडियो में ही जी जान लगा देती हूँ, हर वीडियो में दुगनी मेहनत करती हूँ, और हमेशा ही मन होता है कि गाइस खासतौर से आपने अगर कोई रिक्वेस्ट की है या कोई चैलेंज मुझे दिया है तो मैं उसे वाकई ही अपने हर काम को तहे दिल से करती हूँ। और थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार देने के लिए, और प्लीज़ गाइस मेरी ये मेहनत सफल हो जाएगी अगर आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को। और आगे भी मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ। अगर आप क्या कोई और चैलेंज है, या आप अगर कुछ देखना चाहते हैं और कुछ चैलेंजिंग देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर करूँगी। तो ये देखिए अपने नेक पर भी ज़रूर लगाइएगा, और पीछे की तरफ भी, वैसे तो मैं फेस पैक को लगाती हूँ क्योंकि गर्दन पर पीछे की तरफ भी काफ़ी बार हम इग्नोर कर देते हैं तो मैल जमा हो जाती हैं, तो लेकिन अभी मैंने मेहंदी लगाई हुई है तो इसलिए मैंने पीछे की तरफ मैंने पैक को नहीं लगाया, लेकिन हमेशा मैं लगाती हूँ ब्लीच को भी और पैक को भी। तो आप अभी समझ ही सकते हैं, ये देखिए मैंने इस तरीके से पैक को अच्छे से अप्लाई कर लिया है, और मैं यही पैक अपने हाथों पर भी लगा रही हूँ। और अभी मैं कुछ खाने की तैयारी कर लेती हूँ, इतना ये मेरा पैक भी सूख जाएगा। तो चलिए फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं कि मेरा जो पैक है बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख चुका है, और अब मैं इसे ठंडे पानी से वॉश करके आती हूँ। तो मैंने अपना पैक को वॉश कर लिया, यहाँ पर मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी भेल पूरी, तो इसके खाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये देखिए मैं खा चुकी हूँ अपनी भेल पूरी, अब पेट थोड़ा भरा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं अब अपनी आईब्रोज पर आपको हिना अप्लाई कर दिखा रही हूँ, ईयरबड की हेल्प से ले लीजिए आप मेहंदी थोड़ी थोड़ी, और इस तरीके से आप अपनी आईब्रोज पर लगा लीजिए। वैसे मेरे लिए भी एक नया चैलेंज था क्योंकि मैंने आज तक कभी भी गाइस अपनी आईब्रोज पर मेहंदी नहीं अप्लाई की है, बट बहुत ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं जो ऐसी अच्छी अच्छी डिमांड करते हैं, ऐसी अच्छी अच्छी रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए तो मुझे डेफिनेटली करना ही था। तो ये देखिए मैंने अप्लाई कर लिया है, और एक्स्ट्रा जो भी है आपको डोंट वेरी जो नज़र आ रही है मैं रिमूव कर लूँगी। इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया है, वैसे मैंने इसे सिर्फ 1 घंटा ही अपनी आईब्रोज पर रहने दिया था क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी गाइस, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम इसे लगा रही हूँ और ज़्यादा रिस्क मुझे नहीं लेना था, और वैसे भी सर्दी है तो थोड़ा जल्दी वैसे सूख ही गई थी आईब्रोज की मेहंदी, तो बहुत जल्दी सूख गई थी मेरी। साथ ही साथ मुझे याद आया कि गाइस मुझे अपने लिप्स पर भी स्क्रब करना है, तो काफ़ी दिन हो गया मुझे लिप्स पर स्क्रब किए हुए, मैं हमेशा करती हूँ, हफ्ते में एक बार ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये जो स्क्रब देख रहे हैं घर पर ही तैयार किया है, ये स्क्रब बहुत ही अच्छा है गाइस, ये मैंने लिया है पाउडर शुगर और हनी, इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर आप अपने लिप्स पर स्क्रब कर लीजिए, इससे आपकी लिप्स पर जो भी डेड स्किन जमा होगी त्वचा वो निकल जाएगी और आपके लिप्स भी मॉइस्चराइज करेगा, हनी इस पर मैंने ऐड किया है और आपके लिप्स को सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाएगा। तो मैंने 2 से 3 मिनट तक ये देखिए लिप स्क्रब भी कर लिया है, मैंने सोचा जब मैं आपको ये कर दिखा रही हूँ तो कंप्लीट केयर आपको दिखाऊंगी मैं अच्छे से। तो यहाँ पर मैं लिप स्क्रब कर रही हूँ अपने, 2 से 3 मिनट काफ़ी होगा बस, अब मैं इसे वॉश कर आती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेहंदी सूख चुकी है मेरी, जो आईब्रोज की मेहंदी है, और बालों की भी सूख चुकी है, 2 घंटे मुझे हो चुके हैं, 2 से भी ज़्यादा ही हो गए हैं, 3 घंटे हो गए हैं मुझे। तो मैं अब अपने बालों को वॉश करने जा रही हूँ, लिप्स आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और स्मूथ लग रहे हैं और पिंक भी लग रहे हैं और स्किन में भी बहुत अच्छा ग्लो आया। चलिए मैं बालों को वॉश करने के बाद आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर मैं अपने बालों को वॉश कर रही हूँ आप देख सकते हैं, और गाइज मैंने आपको जैसा कि बताया मैं सेम डे शैम्पू नहीं करूँगी, मैं नेक्स्ट डे शैम्पू करूँगी।
तो यहाँ पर मैं ठंडे पानी से ही, यानी कि ताजे पानी से ही अपने बालों को वॉश कर रही हूँ। हमेशा मैं ताजे पानी में ही अपने बालों को वॉश करती हूँ, जो भी डायरेक्ट पानी आता है तो उसमें ही वॉश करती हूँ। तो चलिए फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ बालों को वॉश करने के बाद। सो गाइस, आपने देखा कि मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है और आईब्रोज़ की मेहंदी रह गई, मैं भूल गई धोना, तो यहाँ पर मैंने वॉश कर लिया है और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा है आईब्रोज़ में मुझे, तो ठीक ही रहा है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से ब्राउन हो गई है आईब्रोज़। तो हे गाइस, आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है, अभी बाल गीले हैं मेरे, तो ये देखिए, और अभी बाल गीले हैं, बस जब सूख जाएंगे तो मैं इसके बाद अपने बालों में मसाज करूंगी और बहुत ज़्यादा ऑयल से मसाज करने वाली हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत अच्छी है, हेयर ऑयलिंग की जो आप बात कर रहे थे, तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में उसी पर बनाऊँ। तो अभी मैं बालों को सूखने के बाद ऑयल लगाऊंगी अपने बालों में, उसके बाद मैं नेक्स्ट डे शैम्पू करती हूँ, तो मैं कल शैम्पू करूंगी। तो ये देखिए, सो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे बाल सूख चुके हैं और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चमक आई है, बिना शैम्पू के भी कितनी अच्छी चमक आई है बालों में। अभी तक मैंने अपने बालों में ऑयल को अप्लाई नहीं किया है और आप देख सकते हैं सिंपल पानी से ही मैंने अपने बालों को वॉश किया था, तो देख सकते हैं गाइस कितनी अच्छी चमक आई है बालों में और बहुत ही मुलायम लग रहे हैं बाल, बहुत ही सॉफ्ट लग रहे हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आए तो प्लीज़ गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आप देख सकते हैं मेरे हाथों से भी हिना का रंग बहुत अच्छे से जा चुका है।